निशांत शर्मा मामले में आज जो कार्रवाई हुई उसमें चार मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने, मैंने सरकार न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है, वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष दो दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। तीसरा, इस मामले में निशांत की सुरक्षा को लेकर न्यायालय ने कहा कि उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। हमने न्यायालय को एश्योर किया और स्पष्ट किया कि हमने दो कांस्टेबल्स उनके साथ ड्यूटी पर लगा दिए हैं, और भी आवश्यकता होगी तो हम इसे समय समय पर एसेस करेंगे। एसेस करने के पश्चात इस मामले में अगर उनकी सुरक्षा में और ज़्यादा पुलिस डिप्लॉय करने की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी, परंतु उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौथा, न्यायालय में अमाइकस ने कुछ जांच पर प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं और अगली पेशी जो 4 दिसंबर 2023 के लिए रखी गई है उसमें कहा गया कि मामले की पूरी सुनवाई जांच रिकॉर्ड को देखकर और अन्य मामलों को, दोनों पक्षों को सुनकर 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। देखिए, एसपी कांगड़ा को मैंने ही अपने असिस्टेंस के लिए बुलाया था, न्यायालय ने उनको मौजूद रहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि इस मामले में मुझे उनकी असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, सो शी शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। और उन्होंने इस मामले में जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो जांच थी, वो मेरे माध्यम से न्यायालय को बताई। हाँ, उनका एक विषय था मीडिया को लेकर, जिसमें न्यायालय ने कहा कि मीडिया पर पूर्णतया रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मीडिया भी जिम्मेवारी से इस मामले की रिपोर्टिंग करें तथा जो तथ्य न्यायालय में आते हैं उन्हीं तथ्यों पर बात होनी चाहिए। इसी वजह से मैं भी आप सबके साथ, ताकि सिर्फ तथ्य आप सबको बताए जा सकें, ताकि कोई भी भ्रामक समाचार समाचार पत्रों में या आपके माध्यम से ना जा सके। सर, इसमें जो डीजीपी वाला इशू भी है, क्या उसमें जो कंप्लेंट्स हुई है निशांत शर्मा के खिलाफ, वो भी कुछ इसमें मामला आया सामने कुछ? जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश ने एफआईआर शिमला में कराई है उसके संदर्भ में भी कुछ बातें अमाइकस क्यूरे ने कोर्ट में रखी, परंतु उन सब पर आगे जांच का, जो जांच चल रही है, जांच का जो विषय है उसमें, उस संदर्भ में जब तक जांच चल रही है और जब तक वो जांच रिपोर्ट न्यायालय में ना रखी जाए, मैं कुछ आगे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। अब 4 तारीख के लिए कोर्ट ने क्या कोई स्पेशल रूटीन में जो है सुनवाई है? स्पेशल और रूटीन नहीं, न्यायालय में जो तथ्य आ जाए, उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट हमारे समक्ष आ गई है, उस जांच रिपोर्ट का सारे पक्ष अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस मामले में, क्योंकि आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जांच रिपोर्ट रखी गई, तो पूरी तरह सुनवाई नहीं हो सकी, इस कारण अगली सुनवाई के लिए इस मामले को टाला गया है। तो और कोई विशेष रूप से इसमें आज कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। सर, जो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की जो बात, जांच की बात की है, वो सरकार की तरफ से रखी गई या कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए? हमने सर, क्योंकि हिमाचल सरकार का ये मकसद है, प्रदेश सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसे मामला चाहे कोई भी हो उसमें पूर्णतः स्पष्ट और सही फेयर जांच होनी चाहिए। तो जब अमाइकस क्यूरी ने ये प्रस्ताव सुजेशन दिया, सुझाव दिया, या उन्होंने कहा कि वो डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो मैंने तुरंत कहा कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सरकार जाँच में किसी प्रकार से कोई छुपाना नहीं चाहती, सरकार, प्रदेश सरकार सब कुछ स्पष्ट करना चाहती है। तो हमने कहा कि हम ये एएसपी रैंक के अधिकारी को उसमें लगा देंगे, और भी अगर न्यायालय का कुछ पक्ष हो तो सरकार को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एक फेयर जांच का हिस्सा है, जिसमें अगर कंप्लेनेंट ये चाहता है कि उसको लगता है कुछ अप्रिहेंशन है, तो सरकार
उसका फर्ज है और हमने उस फर्ज को निभाते हुए तुरंत उसकी मांग को स्वीकार करते हुए एएसपी रैंक के अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंपने का निर्णय ले लिया है।